आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। वैश्विक महामारी को लेकर घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर सारे जगहों पर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। वैसे में गरीब तबके लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन का तो पालन वे लोग कर रहे हैं, लेकिन भोजन व्यवस्था का अभाव रहने के कारण उन्हें खासी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में वास्तव इंडिया ट्रस्ट, कैंपस ग्रुप ऑफ ट्रस्ट माले और अन्य समाज सेवी ने मिलकर निर्णय लिया कि लोगों के बीच में राहत के नाम पर भोजन व्यवस्था करवाई जाए। इसी के तहत मंगलवार को पचामा मिशन में लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दोपहर की भोजन का आनंद लिया। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया था। साथ ही उपस्थित लोगों से माले नेता राजेश यादव द्वारा आग्रह कर घर से बाहर ना निकले, घरों पर रहें। सरकार, सामाजिक संस्थाएं और अन्य समाज सेवी गण आपके लिए चिंता कर रहे हैं। आपकी जरूरत के अनुसार आपकी राहत सामग्री आप तक पहुंचाई जाएगी। साबुन, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। पुलिस प्रशासन का साथ दें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। कार्यक्रम को सफल बनाने में माले नेता राजेश यादव, कैंपस ऑफ ग्रुप के राजेश सिन्हा, वास्तव इंडिया ट्रस्ट के सचिव विलियम जेकब, समाज सेवी आकाश कुमार, रंजना जेकब, एमडी असलम अंसारी, शहाबुद्दीन अंसारी, जाविर अंसारी समेत अन्य का योगदान सराहनीय रहा। कैंपस ग्रुप ट्रस्ट माले और कई संस्था मिलकर अलग अलग जगहों पे हम लोग का कार्यक्रम चल ही रहा है कि यहाँ पे दाल भात सब्जी का एक योजना था। और ये चीज़ चूँकि सरकार का एक लिस्ट बना हुआ है, हर एक जगह चल ही रहा है और हम लोग भी कई जगह लिस्ट दिए थे, वहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से हर एक जगह चलना चाहिए, चूँकि ये लंबा भी चलेगा और काफ़ी लोगों को ज़रूरत है, तो एक दिन में कुछ होने वाला नहीं। सरकार को चाहिए कि हर एक जगह पे ये करे और चिन्हित करके जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार ऐसे जगहों पे करे जिससे कि थोड़ा सा राहत मिल जाए लोगों को। बताया जाए सर, वास्तव इंडिया ट्रस्ट, भाकपा माले, करियर कैंपस ग्रुप और कुछ अन्य समाज सेवियों ने मिल करके आज यहाँ गिरिडीह शहरी क्षेत्र वार्ड नंबर 4 के जगपतारी में लॉकडाउन के कारण जिनके पास अभी खाने पीने की समस्या है, ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद 100 से भी ज़्यादा लोगों को ये पिछले कई दिनों से भोजन की व्यवस्था किए हुए हैं। हम इसके लिए सभी संस्थाओं को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस समय जबकि हम सारे लोग मिल करके कोरोना से लड़ रहे हैं, तो कोरोना से लड़ने के लिए हमको भूख से भी लड़ने की ज़रूरत है। ज़रूरतमंदों को जब तक हम भोजन की व्यवस्था नहीं कराएंगे, हम कोरोना का मात नहीं दे सकते। तो भूख को मात दो, कोरोना को मात दो आह्वान के साथ जो आज यहाँ भोजन कराया गया गरीबों को, हम इसके लिए इसमें शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं।